2000 का नोट जब छपना शुरू हुआ, वो उस टाइम पे छपना शुरू हुआ जब डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी तथाकथित शुरू हुई, तो बहुत सारा काला पैसा उसमें कन्वर्ट हो गया 2000 में। अब उसके बाद सरकार ने 2000 का नोट प्रिंट करना बंद कर दिया। और ये कोई नई बात नहीं, कोई मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे रहा हूं, ये आरबीआई ने लोकसभा के पटल पे वित्त मंत्री ने भी एक्सेप्ट किया है कि 2000 के नोट छापना बंद कर दिया। हवाला से भी जो पैसा लेते हैं उनको भी 2000 के नोट नहीं मिलते हैं, वो भी 500 और 1000 में ही, 500 के नोट में ही, जो बड़ा डोमिनेशन है आज 500 के नोट में ही खेल रहे हैं। ऐसे में 2000 के नोट मुझे लगता है जिनके पास पैसा है वो दबा के बैठे हैं, और उनको मालूम है कि ये 2000 का नोट बंद नहीं होगा क्योंकि सरकार ने एक बार डिमोनेटाइजेशन करके मुंह जला लिया है अपना। और ये 2000 के नोट तभी निकलते हैं जब चुनाव के टाइम पे जो पैसा बटता है या पैसा ट्रांसफर करना होता है। आप इमेजिन करो, यदि मुझे 4 करोड़ रुपए भेजने हो कहीं किसी यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट में चुनाव के लिए, तो 2000 के नोट में वो सही होता है। और आज के डेट में 500 का नोट, 500 रुपए और 1000 रुपए की कोई वक्त भी नहीं रही है। 2000 का नोट दो तो कम से कम उसको लगता है वोटर को कुछ मिल गया। मुझे लगता है कि चुनाव में ये पैटर्न अपने को देखना पड़ेगा, और ये बहुत अच्छा इश्यू निकाला, इस पर मैं थोड़ा सा रिसर्च करूंगा। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन जिन पैसों को पकड़ता है, जो नोट इलेक्शन कमीशन चुनाव के टाइम पे पकड़ता है, वो कौन से डोमिनेशन के नोट मिले हैं ये पूछना होगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो हमको बताता है कि 100 करोड़ पकड़े, 20 करोड़ पकड़े, 30 करोड़ पकड़े, वो पकड़ने वाले नोट किस फॉर्मेट में थे, 500 के थे, 100 के थे, 1000 के बने, 2000 के थे, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये ढूंढनी पड़ेगी। और यदि इसमें 2000 के नोट का चलन ज्यादा आ गया तो ये आप समझ जाइए कि ये 2000 के नोट पे कौन बैठे हैं और ये 2000 के नोट निकलेंगे कब। 2000 के नोट आज तो दिवाली के पूजन में भी 2000 के नोट रखने में लोग रखते नहीं है, वो 500 का ही। मैंने काफी दिवाली में, अब कई लोगों के घर में महाराष्ट्र में प्रचलन है कि दिवाली के दिन एक दूसरे के घर जाके उनकी जो पूजा होती है उस वहां जाके नतमस्तक होते हैं, तो पूजा में जो पैसे रखे हैं पूजा के लिए, मैंने देखा मैंने 2000 का नोट किसी के पास नहीं रखा, मैंने 500, 200, 100 के देखे हैं। एक आध बार कहीं एक आध के यहाँ देखा होगा तो देखा होगा। मुझे लगता है कि जिन लोगों को सर्कुलेशन में बनी, जिन लोगों को ये पैसा बांटना है, रिश्वत का पैसा बांटना है, उसके लिए वो 2000 का नोट रखा है। पब्लिक इसमें, आप बैंक के एटीएम में भी 2000 के नोट मिलना करीब करीब बंद ही हो गए हैं, 2000 के नोट मिलते भी नहीं है, सब 500 के नोट और उससे नीचे के डोमिनेशन के नोट यदि चाहे तो वो मिलते हैं। लेकिन ये रिसर्च के हिसाब से मैं डायरेक्ट ऐसा आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये 2000 के नोट खत्म तो नहीं हुए, सरकार ने खत्म नहीं किए। प्रिंटिंग जरूर बंद हो गई लेकिन आउट ऑफ सर्कुलेशन हो गए। प्रिंटिंग बंद होने से आउट ऑफ सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए, जो नोट जब तक चलते हैं तब तक डैमेज होते हैं। 2000 के नोट आने के बाद बैंकों ने नया सिस्टम भी निकाला कि उन्होंने वो पिन लगाना बंद कर दिया, पिनिंग सिस्टम जो थी वो बंद हो गई, उससे नोटों का चलन बंद हो गया। उसके बाद कई जगह पे बैंक नोट एटीएम से देते हैं, पैसे लेते हैं लोग, या एटीएम वो मशीन से जहाँ पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं वो मशीन भी फटे हुए नोट नहीं लेते, नोट फोल्ड भी हो गया तो नहीं लेते, उस नोट पे कुछ लिखा होगा तो भी नहीं लेते। इसलिए लगातार जो सरकार और बैंक डिस्करेज कर रही थी कि नोटों पे कुछ मत लिखो, तो नोट डैमेज होने का जो साइकिल है, जो एक नोट की आप समझो 3 साल की लाइफ साइकिल है, वो अब बढ़ के कम से कम 5-7 साल की हो गई है। क्योंकि नोट पे लिखना बंद हो गया, नोटों को पिन मारना बंद हो गया, लोग फोल्ड करना बंद हो गए क्योंकि मशीन में नोट जाते नहीं, या एटीएम से जब नोट मिलते हैं तो वो वही मिलते हैं कि जो अनडैमेज हो। ऐसे में यदि 2000 का नोट गायब हो गया है तो ये उन्हीं लोगों के पास है जिनको इसका थोक में यूज करना है चुनाव के समय, ये मेरा आकलन है। अभी मैंने कहा ना कि जो चुनाव में पैसा सीज होता है, अभी एक आरटीआई डालनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन में कि जो आपने पैसा सीज किया वो किन किन नोटों में किया, क्या डोमिनेशन में किया, 1 रुपए के नोट थे, 2 रुपए के थे, 100 के थे, 500 के थे, 2000 के थे, उसमें यदि 2000 के ज्यादा हो गए तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये चुनाव के टाइम पे ही यूज होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा वोटर को ही बटता है, और जो चुनाव के एक दिन पहले जो पैसा बटता है वो बटता है। दूसरी रही शेयर ठीक मार्केट में, एक बात और हो गई कि हमारे यहाँ इकोनॉमिस्ट भी है वो शायद मानेंगे, क्योंकि बीच में फेडरल बैंक ने अमेरिका के ये हिंट भी दिया है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ पे भी थोड़ी महंगाई बढ़ गई है, तो उनको मार्केट से कैश खींचना है। तो जैसे ही फेडरल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, हमारे देश से जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो निकलना शुरू हो जाता है। दूसरा, ये ट्रेंड में लगातार देखता हूँ, नवंबर के मिड से दिसंबर के मिड तक लगातार, क्योंकि वहां दिसंबर एंडिंग है विदेशों में, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट बुकिंग का प्रयास करता है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लो, नवंबर
के स्टार्टिंग में बहुत पीक पे चला जाता है मार्केट, फिर 15 नवंबर से मार्केट खाली होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल के प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, ताकि फिर जनवरी के बाद जब फरवरी में अपने यहाँ बजट होता है तो फिर थोड़ा सा मार्केट उठने लगता है। ये ट्रेंड पिछले मैं 5-7 साल से देख रहा हूँ, ये सेम पैटर्न, तो मुझे लगता है कहीं वो भी एक ये है। दूसरी बात, जो आईपीओ खुल रहे हैं, अब मेरा भतीजा एक बहुत बड़े एक कंपनी में, टाटा में बहुत बड़े पोस्ट पे है, तो मैंने उनको, मैं ऐसी बात हो रही थी दिवाली में सब थे, तो मैंने पूछा कि जोमेटो, अभी जोमेटो ये लॉस मेकिंग कंपनी है, जोमेटो के ऐसी कोई बैलेंस शीट नहीं है कि जो बहुत फ्यूचरिस्टिक है या बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स है, तो जोमेटो में भी लोग पैसा लगा रहे हैं। तो उसका ये कहना था कि ये वो लोग पैसा लगा रहे हैं कि जिनको सिर्फ एक दांव खेलना है, आपने पैसा लगाया और आपको अलॉटमेंट हो गया, क्योंकि जब आपको अलॉटमेंट होता है तो तब कंपनी प्रयास करती है कि शेयर मार्केट में उसकी कीमत, सपोज आपने अलॉटमेंट आपका 100 रुपए का हो गया, तो मार्केट में 135, 140, 150 तक कंपनी संभालती है कि वो ट्रेंड रहे, ताकि आईपीओ को लोग जो पैसा लगा रहे हैं उनका विश्वास बना रहे हैं। तो बोले जैसे ही लोगों को अलॉट होता है लोग तुरंत प्रॉफिट बुक करके बेच देते हैं, आपको आज अलॉटमेंट आ गया 3 दिन बाद आपने बेच दिया, क्योंकि ये अलॉटमेंट कोई रिस्ट्रिक्टेड अलॉटमेंट नहीं है, ओपन में अलॉटमेंट है, तो बेचने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आपका डायरेक्टर कोटा नहीं है ठीक या एम्प्लॉय कोटा नहीं है कि जो 4 साल के लिए लॉक किया जाता है, तो आप है। तुरंत, आपको 100 का मिला आपने 120 में भी बेच दिया, आपके पास 1,000 शेयर है तो आपने 20,000 रुपए कमा लिए, ये आईपीओ की स्थिति है। और फिर वो आईपीओ जिसका लगा, जोमेटो का आईपीओ, यदि आप इसको डाउन द लाइन 3 महीने बाद देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइसेस में हो जाएगा, क्योंकि तब तक लोग वहां पे ओरिजिनल प्लेयर ही रहते हैं, तो आईपीओ में पैसा लगाने वाले ये शेयर मार्केट में खेलने वाले नहीं है, ये शॉर्ट प्लेयर है, शॉर्ट बुकिंग पे है कि अलॉटमेंट हो गया बेच दिया निकल लिया, अलॉटमेंट हो गया बेच दिया निकल लिया। और जितने भी आईपीओ है उनके ज्यादातर 99% आईपीओ, जब आईपीओ आता है मार्केट में तो शेयर मार्केट में प्राइसेस जर्क होती है, वो एक खेल है, पैसों का खेल है। और मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार के जितने भी पैकेजेस आए हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए, 20 लाख करोड़ का कभी क्या क्या जो पैकेज आए हैं, ये पैसा कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पहले गोल्ड मार्केट में गया, क्योंकि तब गोल्ड बहुत तेजी में था, उसके बाद शेयर मार्केट में गया क्योंकि शेयर मार्केट तेजी में था, इसलिए शेयर मार्केट या गोल्ड की प्राइसेस या कार का बिकना, ये मैं इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ के या बाकी डायनामिक्स हो सकते हैं, लेकिन मैं ये जो ग्रोथ के डायनेमिक, यदि आम आदमी की ग्रोथ के, आम आदमी के कंफर्ट के जोन के, मैं इसको इकोनॉमी के उस डायनेमिक्स नहीं मानता जिसके वजह से आम आदमी के जीवन में कोई बदलाव हो। एक छोटी शेयर सी मार्केट टिप्पणी कितना भी ऊंचा, आपकी होगी, मैं उसके हाँ बाद में सुभाष जी के पास जाऊंगा। भाव, ये जो पिछली सरकारें थी या पिछला युग था, जो सो कॉल्ड सेक्युलर युग था, तो उसकी जो कथित ब्लैक इकोनॉमी थी वो तो अब खत्म हो गई है। तो जो अगली ब्लैक मनी, अगर ये 2000 का नोट अगर अंडरग्राउंड है, तो वो तो मेरे ख्याल से राष्ट्रवादी ब्लैक मनी कहलाएगी। हाँ आप ये आज के यदि टर्मिनोलॉजी में कहो तो ये राष्ट्रवाद होगा ये, क्योंकि आज यदि गरीब किसी के पास, पहले लोग कहेंगे कि लोगों के पास पैसा आता है, कुछ तो लोगों के पास पैसा आया, भाई साहब आपको क्यों तकलीफ हो रही है, वो भी तो देश के है, यदि किसी मार्केट में किसी ने पैसा कमाया तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है। अब यही पैसा यूपीए के समय में लोग कमा रहे थे, तो ये लोग फिर ये जो प्रॉफिट कमाने वाले, प्रॉफिट एक पाप था, प्रॉफिट वॉज अ सिन, नाउ प्रॉफिट हैज बिकम अबून, पहले प्रॉफिट कमाना पाप था, अब प्रॉफिट पुण्य हो गया, फर्क कितना हो गया। मैं ठीक सेक्युलर है। नॉन सेक्युलर गवर्नमेंट की बात नहीं करता हूं, ये राजनीतिक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन गवर्नमेंट विच वर्क फॉर द पीपल, गवर्नमेंट विच वर्क फॉर द इंडस्ट्रीज, ये दो बातें बड़ी क्लियर कट होनी चाहिए। हु हैज ग्रोन, ठीक आज यदि है। करोड़पति बढ़ गए और उसके साथ साथ गरीब भी बढ़ गए, तो फिर दिस गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट। यदि गरीब कम हो गए और करोड़पति भी बन गए, तो कम से कम हम ये सोच सकते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे। अभी एक कोई विदेशी यूनिवर्सिटी का सर्वे आया है, हालांकि उसको ये भारत सरकार मानेगी नहीं, क्योंकि ये सरकार तभी मानती है जब योगी के लिए ऑस्ट्रेलिया के कोई सांसद बोलते हैं कि योगी ने अच्छा काम किया, तो उसका पूरा उत्तर प्रदेश में ढिंढोरा पिटा जाता है, विज्ञापन दिए जाते हैं, लेकिन उसी ऑस्ट्रेलिया के किसी यूनिवर्सिटी ने ये बोल दिया कि महाराष्ट्र, इंडिया में गरीबी बढ़ गई है, तो फिर वो कहते हैं कि ये कम्युनिस्ट लोग हैं और ये लोग देशद्रोही है, ये भारत को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते इसलिए ऐसी खबरें देते हैं। तो ये सरकार का परसेप्शन है बताने का, लेकिन हम किसी सर्वे पे नहीं जाए, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, गांव में जाइए, ये देश गांव में बसता है। मैं मानता हूं कि अर्बनाइजेशन हुआ है, लेकिन वो आज भी अर्बनाइजेशन गावड़ा के, गावड़े का अर्बनाइजेशन है,
आज भी हमारे दिल्ली में भी हम पूरी नहीं कहते, दिल्ली इज अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस, वैसा देखा जाए तो आज भी दिल्ली में गांव बसते हैं। तो यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखें तो 2014 से लेकर आज तक स्थिति बदतरी होती आ रही है। तो ये जो इकोनॉमी के ग्रोथ के फंडे है कि हमने जीडीपी की ग्रोथ ज्यादा हो गई, आप बेस ईयर ही आगे पीछे करो वो हो जाएगा, किसानों का उत्पादन डबल हो गया, लेकिन उसके लिए बेस ईयर आप वो लोगे जिसमें अकाल और सूखा पड़ा था, जब आपका अकाल और सूखा पड़ने में आपका ग्रो इनकम वैसे ही खत्म हो गया था। ऐसे में जब आपको 100 रुपए जो किसान की आमदनी 500 थी, अकाल के टाइम पे वो 100 रुपए हो गई, आप उसको 200 रुपए करने पे बोलते हो कि हमने आपका इनकम डबल कर दिया, बेस ईयर आप 100 रुपए का देते हो, आपका ग्रो इनकम वैसे ही खत्म हो गया था। ऐसे में जब आपको 100 रुपए जो किसान की टाइम पे वो 100 रुपए हो गई, आप उसको 200 रुपए करने डबल कर दिया, बेस ईयर आप